हेलो दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भराने के लेकर के एक नई अपडेट जारी किया गया है, लेकिन इस अपडेट के बारे में कहीं भी किसी भी जगह पर सही से समझाया नहीं गया है। तो आज हम अभी इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि अगर आप 23 से 27 बैच के हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपका परीक्षा फॉर्म बीच में भराना रद्द हो गया था, जो 21 से 27 तक डेट था उसको रद्द कर दिया गया है। पुनः इसके लिए नया डेट जारी किया गया है, ऑफिशियल सूचना भी जारी किया गया है, जो हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देने वाले हैं कि परीक्षा कब से शुरू होगा, इसके लिए नया डेट क्या है, फीस कितना लगने वाला है और अपडेट्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या बताया गया है विषय किसके बारे में। स्नातक CBCS कोर्स द्वितीय सेमेस्टर सत्र इतना से इतना, परीक्षा के सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा का अंक उपलब्ध कराने के संबंध में। ये देखिए, आपका आपको लग रहा है आंतरिक परीक्षा का अंक उपलब्ध कराने के संबंध में, लेकिन रियलिटी क्या जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेज को आंतरिक परीक्षा का रिजल्ट मांगा गया है, यानी आपने फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर में दूसरा बार जो परीक्षा आपके कॉलेज में लिया गया है उस परीक्षा को आप दिए या नहीं दिए हैं उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगा गया है। रिजल्ट के अनुसार सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म अपना आपका भरा जाएगा। जो समस्याएं आ रही थी वो समस्या को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। अब आपको हम बता देते हैं 6-8 के आलोक में संलग्न इतना इतना के स्नातक द्वितीय सेमेस्टर इतना के परीक्षा के सभी विषयों की सैद्धांतिक प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा का अंक 1 प्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुए 2 प्रति दिनांक 10-8 तक आदो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आदेश। पीछे भी ऐसा मौका दिया गया था सभी कॉलेज को, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो नहीं दिए हैं। तो ये अनुरोध करके यूनिवर्सिटी के द्वारा 24 घंटे के अंदर सभी को ये सारे पेपर के साथ सभी कॉलेज को बोला गया है कि विद्यार्थियों का आंतरिक रिजल्ट हमें सेंड कर दे इस ईमेल पर। अब बात करते हैं कि आपका परीक्षा फॉर्म के बारे में क्या बात है। तो ये जो चीज़ है आपको 29-8 तक उपलब्ध कराना ही पड़ेगा, यानी कल तक सभी कॉलेज को देना ही पड़ेगा। कल के बाद यानी 30 अगस्त के बाद 30 अगस्त से आपका परीक्षा फॉर्म भराने की नई डेट के लेकर के नोटिस और लिंक जारी किया जाएगा। वो लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के लिए बढ़ाई जाएगी आगे। तो पहले के मुताबिक आपका परीक्षा होने वाला था 10 सितंबर से, यहाँ पर देख सकते हैं पहले के अनुसार 10 सितंबर से परीक्षा होने की बात बताई गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। दो जगह पर ऐसा फॉर्म भरने में ऐसा भी देखा गया कि दो दो जगह से परीक्षा शुल्क वसूला जा रहा था, कहीं पे 1700, कहीं पे 500, कहीं पे 400। तो फिक्स भी नहीं था कि आपसे कितना फीस लिया जा रहा है। तो अब ये सारा समस्याओं को दूर करके बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जो लॉगिन नहीं हो पा रहे थे। तो अब जो है नया जो लिंक जारी किया जाएगा उस लिंक के माध्यम से आप लॉगिन भी हो पाएंगे। और लॉगिन होने के बाद आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय कुछ विषय आपको बदलना पड़ता है। SEC BSE तो 100% बदलना ही है, इसके अलावा MIC भी माइनर सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपका नहीं बदलेगा। इसके लेकर के भी फुल जानकारी हम आपको दे दिए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं नोटिस था जिसमें रद्द किया गया था परीक्षा फॉर्म भराना, लेकिन पुनः जो है इसके लिए नोटिस जो जारी किया गया। अब आपको नामांकन के समय ये सारे कागजात अभी ही आपको इकट्ठा करके रख लेना है। ABC कार्ड तो 100% लगेगा ही लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, सेमेस्टर फर्स्ट में स्टूडेंट स्लिप यानी रजिस्ट्रेशन जो कराए थे वो स्लिप, आधार कार्ड, सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, ABC ID कार्ड और फोटो सिग्नेचर, ये सब आपको रखना पड़ेगा, नामांकन के समय आपको देना है। विषय जो बदल सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ पर है। AEC SEC BSE चेंज कर सकते हैं, जिसमें IDC और माइनर भी चेंज कर सकते हैं। केवल मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स के अंतर्गत गिनती होता है वो विषय छोड़ करके आप अभी अन्य विषय को बदल सकते हैं, ये अच्छा मौका दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए पूरी अपडेट यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है MNC क्लासेस या माधव NCERT क्लासेस, फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। आपको नीचे आना है, यूनिवर्सिटी अपडेट पर जाना है। यूनिवर्सिटी अपडेट पर आने के बाद आपको नीचे आना है, सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब इसमें आपको सेकंड सेमेस्टर से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर आपको दे दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लिंक अभी नहीं दिया गया है, जैसे ही लिंक दिया जाएगा आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। न्यू अपडेट जैसे ही आती है हम आपको तुरंत बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक अपडेट पर आपका पूरी नज़र हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस है आपके मन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत आपका जवाब देंगे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।